मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई। आधी रात को कांग्रेस ने बीजेपी पर कांग्रेस और बीएसपी के विधायकों को बंधक बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने गुरुग्राम के एक होटल में सभी विधायकों को बंधक बनाया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने ये भी आरोप लगाया था कि कमलनाथ सरकार के मंत्री जीतू पटवारी और मंत्री जयवर्धन सिंह जब विधायकों से मिलने होटल पहुंचे तो उन्हें मिलने भी नहीं दिया गया। साथ ही होटल में रखे गए विधायकों की निगरानी के लिए हरियाणा पुलिस को तैनात कर रखा है। इसके बाद आधी रात को ही कांग्रेस पार्टी अलर्ट हो गई और विधायकों से संपर्क किया जाने लगा। कुछ देर बाद मध्य प्रदेश के मंत्री जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी बहुजन समाज पार्टी की निलंबित विधायक रमाबाई के साथ गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड भारत होटल से बाहर निकले। इसके बाद जयवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों को बड़ी रकम का ऑफर देकर खरीद रही थी, हालांकि हमने अपने विधायकों को होटल से बाहर निकाल लिया है। अब मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर कोई खतरा नहीं। हालांकि बीजेपी ने इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए इसे कांग्रेस का आंतरिक मामला करार दिया है। न्यूज़ डेस्क।